11 मई 1998 का वो दिन जब भारत ने दुनिया को सन्न कर डाला था। ये वो दिन है जब भारत ने दुनिया को अपनी क्षमताओं और अपनी ताकत का एहसास करवा दिया था। और ये वही ऐतिहासिक दिन है जब राजस्थान के पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को हक्का बक्का कर दिया था, क्योंकि इसी दिन भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो गया था जो परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। भारत देश उस गौरवशाली दिन को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पर मनाता है। साल 1998 में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी सरकार ने गुपचुप ढंग से एक ऐसी योजना को मंजूरी दी जिसकी जबरदस्त गरज का मुजाहिरा पूरी दुनिया करने वाली थी। इस प्रोजेक्ट को लीड किया था भारत के जाने माने वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के तौर पर जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, जो आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बने। इनकी अगुवाई में भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने दिन रात काम किया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर किसी को कानो कान खबर नहीं होने देनी थी। उस वक्त अमेरिका खास तौर से भारत के रक्षा अनुसंधानों पर नजर रखे हुए था, लिहाजा ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जो परीक्षण के वक्त तक दुनिया के लिए टॉप सीक्रेट ही बना रहा। और जब उस पर से पर्दा उठा तो परमाणु परीक्षण की गर्जना से भारत को तिरछी निगाहों से देखने वाले देशों के कान सुन्न रह गए। 11 मई का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित त्रिशूल मिसाइल का भी परीक्षण किया था। ये एक ऐसी मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज में बेहद तेजी से वार कर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। 11 मई का दिन एक तीसरे कारण से भी बेहद खास बन जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के अपने पहले एयरक्राफ्ट हंसा 3 ने सफलता पूर्वक उड़ान भरी थी। भारत में निर्मित इस एयरक्राफ्ट को तैयार किया था नेशनल एयरोस्पेस लैब ने। इसकी खासियत ये है कि ये 2 सीटर वाला बेहद हल्का विमान है और हवाई फोटोग्राफी या नेचर संबंधी प्रोजेक्ट्स में बेहद उपयोगी और बेहद कारगर है। इन तमाम कारणों से ये दिन भारत के लिए बेहद खास बन जाता है और इसे भारत के गौरवशाली दिन के तौर पर याद किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।